क्या है, मेरा चार है इसमें सवाल, कि जो घटना किया है वो साइको नहीं है, ठीक। 30 मिनट तक चार, दो मोटरसाइकिल पर चार आदमी, ये प्लान्ड है, साइको नहीं है। साइको कभी भी ऐसा नहीं करता। दूसरा चीज, वो शराबी भी नहीं, ठीक। तीसरा चीज, वो जाति भी नहीं है, मजहब भी नहीं है, धर्म भी नहीं है। तो साइको नहीं, जाति नहीं, धर्म नहीं, मजहब नहीं, प्रेमिका नहीं, प्रेमी नहीं, बालू माफिया का नहीं, जमीन माफिया का नहीं, शराब माफिया का नहीं, तो फिर ये घटना क्यों? ये सीधा सवाल है। कोई भी घटना के पीछे इंटेंशन होता है, मानते हैं, जमीन, व्यक्तिगत दुश्मनी, राजनीतिक दुश्मनी, सामाजिक कारण, बिना इंटेंशन के कोई घटना आज तक नहीं घटी। इस घटना का कोई इंटेंशन है? 30 मिनट अंधाधुंध फायरिंग का कोई इंटेंशन है? तो जब इंटेंशन नहीं है तो इसके पीछे कारण क्या है? इससे बेनिफिट किसको है? ना इंटेंशन तो मुनाफा किसको है? पहले समझ, पुलवामा की घटना घटी तो मुनाफा किसको होगा? बीजेपी को। कोई दंगा हो जाए, उन्माद हो जाए तो मुनाफा किसको है? बीजेपी को। कहीं जातीय उन्माद हो जाता है तो मुनाफा किसको होता है? पॉलिटिशियन को। कभी भी जाति को मुनाफा नहीं होता, जाति को घाटा होता है, हिंदू मुसलमान को घाटा होता है, परिवार बिखर जाते हैं, घर जलते हैं, लोग मारे जाते हैं, संपत्ति खत्म हो जाती है। तो ना तो किसी जाति को फायदा है, ना किसी मजहब और धर्म को फायदा है। इसका फायदा किसको? सिर्फ पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी को, दल को, सियासत करने वाले। यह घटना सियासत का हिस्सा है और इस घटना के पीछे कंप्लीट सियासतदार है। ये जो लिस्ट किस सिंह है, ये लिस्ट, इसने कितनी मर्डर की है, मेरे पास उसके भी लिस्ट है। इसको मैं बताता हूं दुनिया, यदि सरकार ने इसका कुछ नहीं किया तो इसके पीछे हम हैं। ये कहां भागेगा, इसको हम देखेंगे। इसने बिहार को बदनाम किया है ना, इसको मैं बताता हूं। देखिए ये कितना मर्डर है, ये देखिए, लिस्ट वाइज मर्डर है। लूट के विरोध करने पर सरपंच के दो पुत्र की मारी गोली, एक की मौत। लिस्की सिंह यह है। अब भाई ये दोनों देखिए, फोटो देखिए, ये दोनों फोटो देखिए, फिर कहां निकल गई, ये दोनों फोटो देखिए ऊपर नीचे, तो ये कहां निकल गई हम जानना चाहते हैं, हवा या आकाश? सरपंच की बेटे की हत्या हुई, इतनी घटना घटी, आधारपुर के बच्चों को मार दिया गया, सब्जी मार्केट में मार दिया गया, किसान की हत्या।